कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार दो भिन्नों को जोड़ा जाता है। इस कार्यक्रम में हम सीखेंगे कि किस प्रकार दो भिन्नों को घटाया जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि किस प्रकार भिन्नों को घटाया जाता है। दो भिन्न हैं जैसे 3/12 और 2/10। 3/12 जैसा कि हम आपको पिछले कार्यक्रम में बता चुके हैं कि साधारण भिन्न और मिश्रित भिन्न क्या होते हैं। जैसे 3/12 है साधारण भिन्न और 2/10 ये भी क्या है, साधारण भिन्न। तो हम किस सीखते हैं कि किस प्रकार दो साधारण भिन्नों को घटाया जाता है। अब हम हर की संख्या का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। हर की संख्याएं कौन सी हैं? 12 और 10 ये हर की संख्याएं हैं और 3 और 2 ये अंश की संख्याएं हैं। यानी हम हर की संख्याओं का क्या लेते हैं? लघुत्तम समापवर्तक 12 और 10। लघुत्तम समापवर्तक लेने के लिए क्या करते हैं? छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 से भाग हो रहा है या नहीं। अगर 2 से हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तो हम उससे बड़ी अभाज्य संख्या 3 से भाग देंगे। जैसे देखिए 2 × 12, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6। 5 नहीं जा सकता 2 से, तो 5 को ऐसे ही उतार लिया। 3 × 3, अब 5 3 से भाग नहीं होगा तो 5 को फिर ऐसे उतार लिया। 1 को ऐसे उतारा, 5 × 5, यानी लघुत्तम समापवर्तक आया। इन सारी संख्याओं को गुणा करके हमें क्या मिलेगा? लघुत्तम समापवर्तक, यानी 2 × 2 × 3 × 5। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, यानी लघुत्तम समापवर्तक आया 60। 3/12 को और 2/10 को हमें घटाना है। 12 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक क्या आया था? 60। अब जैसा कि हमने आपको पिछले कार्यक्रम में बताया था कि लघुत्तम समापवर्तक को सबसे पहले हर की संख्याओं से भाग देंगे, जो कुछ उत्तर आएगा उसको अंश की संख्या से गुणा करेंगे। जैसे 60 को हम भाग देंगे 12 से, 60 को हमने भाग दिया 12 से, 12 × 12, 12 × 5 = 60, 5 उत्तर आया। अब 5 को अंश की संख्या 3 से गुणा करेंगे। 5 × 3, 5 × 3 = 15, अब 15 आया, 15 को यहां लिख देंगे। अब दूसरे भिन्न पर आते हैं। 60 को हम हर की संख्या 10 से भाग देंगे। 10 × 60 क्या आया? 6। 6 को अंश की संख्या 2 से गुणा करेंगे। 6 × 2 = 12 क्या आया? 12। और दोनों के बीच में चिन्ह लगाएंगे घटाने का। अब 15 में से 12 को घटा देंगे, 15 में से 12 को घटाया, 5 में से 2 को घटाया तो क्या आया? 3 उत्तर। 1 में से 1 को घटाया तो 0, कुछ उत्तर नहीं आया, यानी उत्तर आया 3/60। अंश की संख्याओं 15 और 12 को घटा देंगे 3, और हर की संख्या को जो कि लघुत्तम समापवर्तक है उसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये देखिए, इसको हम भाग दे सकते हैं। 3 × 3, 3 को 60 को हम
तीन से भाग दे सकते हैं। तीन दूनी छः, दो शून्य बचा, शून्य को हमने ऊपर लिख दिया यानी 20। क्या है उत्तर हमारा? 1/20। तो 3/12 और 2/10 को जब हमने घटाया तो हमारा उत्तर आया 1/20 था। ये था हमारा साधारण ऋणों का घटाना। अब हम एक दूसरा सवाल लेते हैं जिसमें हमने दो मिश्रित भिन्नों को घटाना बताया। देखिए, दो बटे सात, 3/14। 2/7 ये भी मिश्रित भिन्न है और 3/14 ये भी मिश्रित भिन्न है। इसमें भी हम हर की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। लघुत्तम समापवर्तक लेने के लिए क्या करते हैं? अब तक तो आप सीख ही चुके होंगे, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। लघुत्तम समापवर्तक लेने के लिए हम छोटी छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। जैसे 2 से जा सकता है, 7 नहीं जाएगा 2 से, लेकिन 2 × 7 = 14। अब 3 से नहीं जा सकता, 5 से नहीं जा सकता, उससे बड़ी संख्या 7 से जाएगा। ये 7 × 7 और 7 × 7 यानी 2 × 7 यानी 14। यानी 7 और 14 का लघुत्तम समापवर्तक आया 14। 2/7 और 3/14 को हमें घटाना है। 7 और 14 का लघुत्तम समापवर्तक क्या आया? 14। अब लघुत्तम समापवर्तक को हर की संख्या से भाग देंगे, जो कुछ उत्तर आएगा उसको अंश की संख्या से गुणा करेंगे। चौदह को हमने भाग दिया 7 से, 7 × 2 क्या होता है? 14। उत्तर क्या आया? 2। अब ये जो 2 आया है इसको अंश की संख्या 2 से गुणा करेंगे। 2 × 2 अब उत्तर क्या आया? 4। यानी हमारा ये जो 4 आया है इसको हम लिख देंगे यहां पर, ठीक। अब लघुत्तम समापवर्तक को अब दूसरा भिन्न लेते हैं। अब लघुत्तम समापवर्तक को दूसरी हर की संख्या 14 से भाग देंगे। ये 14 हो गया लघुत्तम समापवर्तक का और ये 14 हो गया हर की संख्या का। अब 14 × 14 कुछ नहीं बचा, उत्तर क्या आया? 1। अब 1 को अंश की संख्या से फिर हम गुणा कर देंगे, 1 × 3 उत्तर क्या आ गया? 3। अब इस 3 को हम कहां लिख देंगे? यहां पर। अब 4 − 3 क्या होता है? सबको पता है 1 होता है। 4 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो उत्तर आएगा 1, 1/14 यानी 2/7 और 3/14 जो कि मिश्रित भिन्न है इनको हमने घटाया तो उत्तर आया 1/14। भिन्नों को किस प्रकार घटाया जाता है ये आप समझ चुके होंगे। आप इस पर सवाल लगाइएगा और अगर कुछ भी कठिनाई आती है तो आप हमें पत्रों द्वारा सूचित करिएगा।